वादे तो कई किए थे, आपके वगैरह मुझे उठाएंगे। वादा किया था कि 2500 महीना बेरोजगारों को मासिक पेंशन देंगे। इसी सत्र जब मेरी माँ पिता के विधायक डॉक्टर इंदू जोगी ने प्रश्न पूछा, तो श्री उमेश पटेल जो हर साझा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी योजना सरकार के समक्ष नहीं। भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन जब हमारा नौजवान नौकरी मांगने जाता है तो उसे धक्का झूमी देता है। इसी प्रकार 1500 पेंशन, सामाजिक आर्थिक पेंशन देने की बात कही गई थी उनके जन घोषणा पत्र में, अभी भी 300-350 ही दे रहे हैं। पेंशन की जगह टेंशन ही। और उस समय कहा उन्होंने कि हमने अपने हाथ में गंगा जल रख के ये कसम खा रहे हैं, अब बोलते हैं कि गंगा जल नहीं था। गंगा जल नहीं था तो क्या वो शराब थी, पौवा था, क्या था? उन्होंने कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनते ही और पूरे प्रदेश में शराब धर्म की लागू करेंगे, लेकिन 2.5 सालों में उन्होंने दुकानें तो बंद नहीं करी। दारू का दाम, दारू का ब्रांड, दारू दुकान खोलने का समय, चखना दुकान के जो काउंटर, सब डबल कर दिए। हमारे छत्तीसगढ़ को शराब मंडी के नाम पर शराब मंडी में तब्दील कर दिया। अभी करोड़ों का धान बारिश में भीग रहे हैं, अभी तक उठाव नहीं हुआ है। कार्यकाल में नान घोटाला हुआ, इस बार भी वही हो रहा है। किसानों का धान खुले में पड़ा है, बरसात में सड़ रहा है, कोई हिसाब नहीं है कि कितना खरीदा, कितना मिलिंग में भेजा। ये सब सीधे सीधे जनता को नुकसान पहुँचा रहा है। बाकी आने वाले समय में बीजेपी विजय होगी कैसे? सवाल ही नहीं। अजीत जोगी का जो सपना था छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के सारे पैसे वो दिल्ली से नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ के दिल्ली में थे। और जब देश के बाकी सब राज्य क्षेत्रीय दल की सरकारें बन चुकी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहिए कि उनकी अपनी सरकार बने, जिसको हर चीज़ दिल्ली से या नागपुर से नहीं करना पड़े। सीधा सवाल दीजिए, सीधा सवाल बीजेपी से, पार्टी विधायक केंद्र से जब आप जोड़ रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता। हमारे मेरे लिए देखिए, जो मेरे पिताजी का ये अधूरा सपना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार, ये मेरे लिए राजनीति का महत्व प्रश्न है। ये मेरे पुत्र धर्म का निर्णय, मेरे लिए बहुत ही पवित्र चीज़ है कि मुझे अपने पिताजी का जो अधूरा सपना है वो पूरा। सर, भूपेश बघेल जी द्वारा जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, उसको जो अनुदान दिया जा रहा है उसके बारे में? जिस कॉलेज की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2017 को मान्यता रद्द कर 12 अप्रैल 2018 की MCI की मीटिंग में सीधे सीधे ये कहा गया कि उस कॉलेज के द्वारा छात्रों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जो मानक मापदंड बनाए गए हैं मेडिकल कॉलेज के, किसी एक का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस कॉलेज के ऊपर आज की तारीख में 125 करोड़ रुपये का कर्जा है, उसको मुख्यमंत्री जी केवल इसलिए सरकारी खजाने से खरीद रहे हैं ताकि वे अपने दामाद साहब और उनके परिवार वालों को खुश कर सकें। ये राजधर्म नहीं, परिवार धर्म नहीं। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद आज पहली बार दिल्ली आना हुआ, जिस आत्मीयता और मोहब्बत के साथ दिल्लीवासी जी को प्यार, वैसे ही प्यार आज मुझे भी मिला। मेरा आने का मुख्य उद्देश्य है सरकार को ये बताना कि पिछले साल मुंगेली जिले किसानों द्वारा लगभग 5000 मेट्रिक टन यूरिया
की खपत चली। इस साल सरकार ने अभी तक 500 मेट्रिक टन यूरिया भी नहीं भेजा है। 8% ही पूर्ति सरकार किसानों की खाद की आवश्यकता। दूसरी और बहुत ही गंभीर बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पिछले वर्ष सरकार के द्वारा कोरोना काल में एक तरफ जहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों पुलिस अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई, वहीं धरने के साथ पिछले साल 11 और अभी 15 दिन पहले 17 निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष बनाए। कुल मिलाकर 2.5 साल में 28 निगम मंडल और आयोगों के अध्यक्ष रुपेश सरकार ने नियुक्त किए। बहुत ही चिंता की बात कि अनुसूचित जाति वर्ग से एक भी व्यक्ति को इन्होंने अध्यक्ष बनाने के काबिल नहीं समझा। ये सीधे सीधे दिखता है, स्पष्ट हो जा रहा है कि भूपेश बघेल सरकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो छुआछूत खत्म कर दी थी, लेकिन छुआछूत की भावना से ग्रसित होकर इस तरह एक पूरे समाज को नकारा।